नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। क्या कोई संतान सुपारी देकर उसी माँ की हत्या करवा सकती है जिसने उसे जन्म देकर इस दुनिया में लाया हो? इस बात पर यकीन कर पाना बेशक मुश्किल है, लेकिन महाराष्ट्र के मुंबई में ऐसा वाकया देखने को मिला है। एक बेटी ने अपनी ही माँ की हत्या करवा दी, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि माँ उसको एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दिक्कत थी। उन्होंने बेटी के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस मामले में लड़की और उसके मुँहबोले भाई को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा आरोपी फरार है। मृतक माँ का नाम प्रिया नाइक है। हत्याकांड में शामिल महिला की बेटी प्रणीता पाटिल और निशिता पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना महली पनवेल की है। प्रणीता पाटिल की शादी के बाद जब अपने पति से लड़ाई हुई तो वह अपने 5 साल की बेटी को लेकर मायके आ गई। वह 2 साल से बेटी के साथ अपने माँ के घर पर पनवेल में रह रही थी। इसी दौरान उसका एक युवक के साथ अफेयर हो गया। जैसे ही इस बात की भनक प्रणीता की माँ को लगी तो उन्होंने इस अवैध संबंध का विरोध किया। प्रणीता फिर भी नहीं मानी। इसके बाद एक दिन प्रिया ने अपनी बेटी का मोबाइल फ़ोन छीन लिया और कहा कि आज के बाद तुम कभी भी उस युवक से बात नहीं करोगी। बस यही बात प्रणीता को नागवार गुजरी। उसने अपनी माँ की हत्या का प्लान बना डाला। प्रणीता पाटिल विवेक पाटिल को अपना भाई मानती थी। विवेक पाटिल को पैसे की जरूरत थी, वह प्रणीता से पैसे मांग रहा था। तब प्रणीता ने उससे एक डील की, कहा तुम मेरी माँ का मर्डर कर दो, बदले में मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी। विवेक इसके लिए तैयार हो गया। फिर विवेक पाटिल ने निशांत पांडे की मदद से 13 सितंबर को प्रिया नाइक को उसके घर पर हत्या कर दी। निशांत को भी प्रणीता अपना मुंहबोला भाई मानती थी। रात को जब प्रिया का पति प्रहलाद नाइक घर आया तो उसने प्रिया को बेहोश पाया। वे उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रिया की शव का पोस्टमार्टम कराया गया। उस वक्त यह बात सामने आई थी कि उनकी गला घोटकर हत्या की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने प्रिया पाटिल से पूछताछ की, तब यह बात सामने आई कि विवेक पाटिल और निशांत पांडे ने प्रिया की हत्या की है। फिलहाल केस की जाँच जारी है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।